मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज बोलो नहीं है। उसका अफगानिस्तान में सब नमाज पढ़ते हैं, सऊदी अरब में सब नमाज पढ़ते हैं, दुबई में अरब के कैसे कैसे अय्याश हैं नमाज के टाइम पे, सारे ऐसे लगेगा जैसे इनसे बड़ा नेक दुनिया में कोई है ही नहीं। बादशाह नमाज पढ़ते हैं, वजीर नमाज पढ़ते हैं। हमारे यहां एक बहुत बड़ी लानत है कि होगा मुसलमान और अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नमाज के वक्त में गायब। तो इसलिए इमाम अहमद इब्ने हम्बल जो बहुत बड़े मुज्तहिद हैं, उनका ये फतवा है कि एक नमाज भी जो जानबूझकर छोड़ देगा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगरचे जमहूर का ये फतवा है कि खारिज नहीं होता, कुफर के करीब हो जाता है वो, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल की कोई कम हैसियत तो नहीं है ना। सऊदी अरब में उन्हीं को फॉलो किया जाता है। शेख बिन बाज, शेख साले अल उसैमीन सऊदीया के मुफ्ती आजम रहे हैं, इनका फतवा अब तक चला यही आ रहा है कि एक आदमी अगर फजर की नमाज के लिए अलार्म नहीं लगाता, उसने सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है, रात को सोया सुबह 8 बजे का अलार्म लगा के, तो यानी इसने पक्का इरादा किया हुआ है कि मैंने फजर में नहीं उठ रहा। एक तो होता ना आंख खुली नहीं, इरादा तो था नहीं खुली आंख, पक्का इरादा किया हुआ, उन्होंने कहा ये उसी वक्त मुर्तद हो जाएगा क्योंकि इसने पक्का इरादा कर लिया है नमाज के कजा करने का, पक्का इरादा कर। वो यहां तक उनका फतवा है कि मुर्तद हो जाएगा उसको अगर तोबा नहीं करता और तोबा का ऐलान नहीं करता बाकायदा, तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज बोलो नहीं है। उसका